शिमला जिले के रामपुर में 7 से 9 फरवरी तक आयोजित सीनियर वर्ग पुरुष एवं महिला वर्ग राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 30 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग का खिताब हिमाचल पुलिस की टीम के नाम रहा, जबकि महिला वर्ग में साई हॉस्टल धर्मशाला ने प्रतियोगिता जीती। शिमला जिले के रामपुर में 7 से 9 फरवरी तक आयोजित सीनियर वर्ग एवं महिला वर्ग राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 30 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग का खिताब हिमाचल पुलिस की टीम ने जीता, जबकि महिला वर्ग में साई हॉस्टल धर्मशाला ने प्रतियोगिता जीती। पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबला हिमाचल पुलिस व बीबीएन के मध्य रहा। आरंभ में बीबीएन की टीम ने हिमाचल पुलिस पर लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन हिमाचल पुलिस की टीम ने पद्मश्री अजय ठाकुर के अनुभवों व तकनीकों का सहारा लेते हुए हाफ टाइम के बाद लगातार अंक जोड़ते हुए नाटकीय अंदाज में गेम को अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हिमाचल पुलिस व मंडी के मध्य रहा। मंडी की टीम ने पूरी कोशिश करते हुए पुलिस पर दबाव बनाए रखा, लेकिन अंतिम क्षण में अंपायरों के निर्णय से असंतुष्ट मंडी की टीम ने ग्राउंड छोड़ दिया और इस तरह से पुलिस की टीम को फाइनल में आने का सीधा मौका मिला। दूसरी ओर महिला वर्ग में फाइनल मुकाबला साई धर्मशाला व बिलासपुर के मध्य रहा। साई धर्मशाला की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता ठाकुर की सूझबूझ के साथ आरंभ से हुई बढ़त बनानी शुरू कर दी। धर्मशाला साई की टीम का नेतृत्व कर रही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता ठाकुर ने तकनीकी तौर से बिलासपुर की टीम पर दबाव बनाने में सफलता हासिल की और अंत में जीत दर्ज कर इस प्रतियोगिता को अपने नाम कराने में सफल हुई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 7 फरवरी को हुआ और इसका विधिवत समापन 9 फरवरी को हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के परियोजना प्रमुख मनोज कुमार रहे। उन्होंने कबड्डी को एक बेहतर खेल बताते हुए हिमाचल जैसे राज्य के लिए उपयुक्त खेल बताया। उन्होंने कहा कि इस खेल में रोमांच रहता है, भविष्य में भी ऐसे खेलों का आयोजन हर स्तर पर होना चाहिए। पद्मश्री अजय ठाकुर ने बताया कि वे रामपुर दूसरी बार खेलने पहुंचे हैं और यहां खिलाड़ियों को प्यार काफी मिलता है, खासकर पुलिस की टीम को लोगों का काफी सपोर्ट मिला। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में आने के लिए पुलिस प्रमुख से लेकर के अन्य पुलिस अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया और समय दिया। उन्होंने बताया कि यहां वे स्वयं भी खेले और यहां से राज्य की टीम का सिलेक्शन होगा, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की टीम जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता से 20 खिलाड़ी राज्य स्तर की टीम के लिए अच्छे निकले, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। मुझे यहां पे हिमाचल प्रदेश रामपुर में मैं सेकंड टाइम आया हूं खेलने के लिए। मेरा सौभाग्य है क्योंकि हिमाचल में खिलाड़ियों को प्यार बहुत ज्यादा मिलता है और खासकर यहाँ पे लोगों ने हमारी पुलिस की टीम को बहुत प्यार दिया है। उसके लिए मैं रामपुर के जितने भी दर्शक यहाँ पे आए हुए थे उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया करता हूँ अपने डीजीपी श्री मुरली सीताराम रेड्डी जी का, अपने आईजी साहब एपीटी हिमांशु मिश्रा जी का, हमारे एसपी वेलफेयर बॉक्सर बहुत अच्छे रहे हैं वो अपने टाइम के भगत ठाकुर जी, और हमारे एसपी मैम बिलासपुर के साक्षी वर्मा जी, इन सब ने हमारा बहुत सहयोग दिया है पुलिस का टीम कैंप लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता ठाकुर ने बताया कि ये जो कबड्डी की प्रतियोगिता रही काफी उम्दा रही, इसमें काफी अच्छे और मंजे हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में खेलते हुए ऐसा लग रहा था कि हर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए पात्र है। उन्होंने बताया कि खेलों को छोटे से स्तर से ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि युवा वर्ग नशे से दूर रह सके। जो इस बार का 2019-20 का स्टेट टूर्नामेंट रहा, बहुत ही ज्यादा उम्दा और अच्छे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में देखने के लिए मिले। सरप्राइजिंग टीमें आगे आई और इनमें से नेशनल के लिए ऐसे लग रहे थे जैसे हर एक प्लेयर डिजर्व करता है। तो अभी शायद मुझे लगता है कि जो चेयरमैन साहब है या जो कमेटी है जो चूज करने जा रही है प्लेयर्स के लिए, उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि किस प्लेयर को ले और किसको ना ले। इस प्रतियोगिता की मैन ऑफ द सीरीज रही ज्योति ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उन्हें अव्वल खिलाड़ी चुना गया। वह आने वाले समय में और ज्यादा प्रयास करेंगे ताकि वे राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अच्छी भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि हम लगातार दो बार हार गए थे तो जिससे हौसला टूटा था, लेकिन कविता ठाकुर के मार्गदर्शन से वे जीत दर्ज करने में सफल हुए। और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, अभी हमारा यहाँ से नेशनल के लिए सीनियर नेशनल के लिए चयन होगा, तो जो भी लड़कियाँ सिलेक्ट होगी मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके हिमाचल की टीम के लिए और अच्छा प्रदर्शन करूँ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।